रहे हैं, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने वहां सीएम ममता बनर्जी के साथ अम्फन तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इसके बाद दोनों ने तूफान से हुए नुकसान पर एक समीक्षा बैठक की और उसी बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल सरकार के लिए 1,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने तूफान में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये हवाई दौरे की प्रधानमंत्री की तस्वीरें और वो समीक्षा बैठक जो हुए नुकसान पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थी। कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए और कैसे हालात को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किए जाए, ये समीक्षा बैठक और उससे पहले का हवाई दौरा प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का किस तरह से नुकसान पहुंचा है ये समझते हो, और फिर उसके बाद समीक्षा बैठक में इस नुकसान को कैसे संभाला जाए और आगे कितने वक्त में हम इसको बेहतर कर पाएंगे, इन चुनौतियों पर बात करते हुए, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है तो दोहरी चुनौती है। कोरोना काल जो जहां है वो वहीं रुक जाए, वहीं अम्फन तूफान की वजह से ये कहा गया कि जो जहां है वो वहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाए, तो दोनों ही बड़ी आपदाएं, दोनों के निपटने के तरीके अलग अलग है और इन चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री की दो आज की बड़ी तस्वीरें। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई ना हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। और हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। कमरुज़्ज़मा चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शाहनवाज हुसैन हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बादल देवनाथ टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, हम आपके साथ ही शुरुआत करना चाहते हैं इस चर्चा की। प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित हालात को बेहतर करने के लिए, ये वाकई में महत्वपूर्ण है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ ये बड़ी विपत्ति पश्चिम बंगाल के सामने आ खड़ी हुई। देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के सामने एक बड़ी विपत्ति आई है। राज्य में बड़ी संख्या में मौत भी हुई है और तूफान ने बड़ी मात्रा में नुकसान भी पहुंचाया है, जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। और भारत को हमेशा से इसी कारण से भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि राज्य और केंद्र जब कोई आपदा आ जाए तो मिल करके काम करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर तारीफ की राज्य की मुख्यमंत्री की कि आपदा से निपटने में वो अच्छा काम कर रही है, और इसके अलावा ये भी कहा कि जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी केंद्र की तरफ से वो मुहैया करवाई जाएगी। तात्कालिक फौरी राहत के तौर पर 1,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत दी गई है कि वहां पर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई है, मंत्री स्तर की कमेटी बनाई जाएगी जो वहां पर पूरा जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी और उसके आधार पर आगे जो भी मदद चाहिए होगी वो मदद और पैसे की रकम की अगर मदद चाहिए होगी वो मदद मुहैया करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री राहत कोष से जो जिन लोगों की इसमें आपदा में मौत हुई है उन लोगों को 2-2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने किया। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य अपनी राज्य और केंद्र अगर अलग अलग सरकार भी है तो राजनीतिक मतभेद कहीं पीछे छूट जाते हैं और दोनों मिलकर के राज्य के भले के लिए, राज्य को बचाने के लिए, पुनर्वास के लिए, राहत कार्यों के लिए मिल करके काम करते हैं। जी विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। और पीएम मोदी ने किस तरह बंगाल में तूफान से 80 लोगों की मौत का जिक्र किया, उस पर दुख जताया, वो भी सुन लेते हैं। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था, भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी
करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बादल देवनाथ जी, 80 लोगों की जान चली गई, इन 80 लोगों की जान तो वापस नहीं आ पा सकती, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन आपका अम्फन तूफान के दौरान दिख रहा है केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार का, ये बेहतरीन है और प्रधानमंत्री ने उसको तवज्जो देते हुए 1,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में भी अगर आप लोग इसी तरह का सहयोग करते तो बहुत कुछ कर सकती थी केंद्र सरकार आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इस समय मैं प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी का जो काल, जो ममता बनर्जी उनको डिमांड किया है, आप आइए खुद बंगाल के स्थिति, बंगाल की स्थिति को आप देखिए, आप खुद आइए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी खुद बंगाल में आए, प्रधानमंत्री यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ पूरे बंगाल में जो 7 जिला में जो तबाही मच गई वही वहाँ पर घूमे, घूमते बाद जो दिखा, जो रिपोर्ट आया। और मैं आपको सुबह भी बताया, काल से मैं बता रहा हूँ आपको न्यूज 18 नेटवर्क से, तो जो मैं मेरा घर में मेरा आसपास पूरा 4-5 जिला 40 घंटे कोई बिजली नहीं है, बिजली के खंभे लाखों के ऊपर बिजली के खंभे गिर गए, 10 लाख के ऊपर पेड़ गिर गए, किसके का छात नहीं है, किसी का घर नहीं है, कुछ कच्चे का मिट्टी जो है वो भी गिर गया और 80 लोगों की मौत हुई। तो ममता बनर्जी ने कहा 2 दिन से 10 लाख के ऊपर लोगों को समुद्र से आसपास से वो बाहर निकाल लिया, वो स्कूल में, कॉलेज में, आसपास में लेके गया। इसके लिए बंगाल के जो अधिकारी है उन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे देखिए 1999 में उड़ीसा में जो जैसे साइक्लोन आया था, उसके बाद 20 साल के बाद इतना बड़ा साइक्लोन तूफान आया, जो अम्फान आया, तो वहां पर लाखों लोगों की मौत हो गई थी, उनका पहले पता नहीं था, अभी तो जानकारी मिल गई। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, इन सभी लोगों को समुद्र के आसपास से सभी लोगों को लेके दूसरा जगह पे लेके गया। आपकी बयान की, आपकी इस बात की पहली लाइन हटा दूं तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा था कि वो कोऑर्डिनेशन जो अभी इस तूफान के समय दिख रहा है कोरोना काल के समय क्यों नहीं दिखा? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मैं आप ही के चैनल में बहुत बार मैंने बताया, कोरोना काल जो है, कोरोना का जब ये प्रोसेस जो है यहाँ पर बंगाल के सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लेटर यहाँ पर भेज रहा है, निर्देश आदेश नामा जो भी भेज रहा है, पूरी तरह से पालन किया जा रहा है बंगाल सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से। और बंगाल में देखिए पूरा देश में जितना स्थिति है कोरोना का, जो रिपोर्ट है उसमें बंगाल का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। चारवाज जी, बादल देवनाथ जी को आप सुन रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम इस राहत पैकेज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है बादल जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया है, लेकिन हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं कोरोना काल में, आप ही लोग बार बार बोल रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र का, ये सही है उनकी बात? नहीं देखिए, अम्फन जो तूफान है उसमें जैसे ही केंद्र को मालूम हुआ, एनडीआरएफ की पूरी टीम वहां पे लगाई गई, राज्य सरकार को बताया गया, फिर भी 80 लोगों की जान नहीं बचाए, 80 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और ये बहुत बड़ा तूफान था और इससे जिन लोगों की मौत हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत दुख उस पर जताया है। और आज एक टीम में वर्क से काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी वहां पर जाना ही था, उड़ीसा भी जाना था और बंगाल भी जाना था, कोई निमंत्रण पे नहीं गए थे वो, उनको देश के प्रधानमंत्री के नाते दोनों राज्य में जब भी कोई इस तरह का तूफान होता है तो देश के प्रधानमंत्री जाते ही हैं। और क्योंकि केंद्र से सहयोग पूरी तरह, एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई, सब जगह पूरी सूचना दी गई, अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं और उन्होंने 1,000 करोड़ के मदद का भी ऐलान किया है और स्थिति बहुत भयावह है, उसको ठीक करने में जो भी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि उनकी न्योते पर नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई उन्हें जाना चाहिए, उन्हें लगता है कि ऐसे स्थिति में वहां उन्हें अपनी जनता के बीच एक पहुंचकर उन्हें मजबूती देने की कोशिश करनी चाहिए, जो उन्होंने किया। लेकिन बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास मैं आऊं, उससे पहले पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी का दौरा दिखाता है कि
केंद्र सरकार संकट की घड़ी में बंगाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। और इसके साथ ही कमरुज्जमा के पास मैं जाना चाहती हूँ, ये तो बात सही है, प्रधानमंत्री ने जब जब देखा है कि जिस जिस राज्य में कमजोर होते हुए दिख रहे हैं नागरिक तो वहां पहुंच जाते हैं, और ऐसा ही पश्चिम बंगाल पहुंचकर भी किया है उन्होंने। कमरुज्जमा जी, जी देखिए, आज बंगाल के ऊपर इस तरह से एक प्राकृतिक एक डिजास्टर जिस तरह से आया है उसमें कांग्रेस पार्टी कोई तरह का राजनीति नहीं करना चाहती है। आज समय है सारे राजनीतिक दल को अपना राजनीति ब्लॉक है लोगों का सामने खड़े होने का समय है। इस वक्त जो मोदी जी आए यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पे आकर उन्होंने जो एक सर्वे करके 1,000 करोड़ का आपातकालीन जो एक टेम्पररी या बोलिए एडवांस इंस्टॉलमेंट का तौर पे जो एक राहत दिए है, अब उसको किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है ग्राउंड लेवल में वो है सबसे बड़ा मुद्दा। लोगों के पास में राहत पहुंचाना, रिलीफ शेल्टर्स में लोगों को टाइम से टाइम इलाज, टाइम से टाइम खाना पहुंचाना, लोगों का जो हजारों लाखों में जो घर बर्बाद हो गए उसको किस तरह से रिहैबिलिटेट करना, या लोगों का जो खेत वगैरह जो बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गए, उनको किस तरह से मुआवजा पहुंचाए दिया जाए, इसका समीक्षा करके एक बढ़िया सा एक पैकेज। आप ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये राहत देकर पश्चिम बंगाल को अच्छा किया, ये तो मानेंगे आप? इस बात के लिए तो उनको बधाई दीजिए कि हाँ आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, बधाई का पात्र है तो बधाई देंगे, हमने पहले शुरुआत में क्या बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ठीक है ऐसी स्थिति में राजनीति करना नहीं चाहती है। और इस बीच ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी सीएम ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में बंगाल ने तूफान में लड़ाई में मजबूती दिखाई है, प्रधानमंत्री ने कहा है ममता बनर्जी के लिए। तो बादल देवनाथ जी, ये बहुत ही अच्छे संबंध चल रहे हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए, यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था, और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विक्रांत, प्रधानमंत्री की तारीफ करना ममता बनर्जी की, ये बताता है कि एक केंद्र सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसे बखूबी निभा रहे हैं, और संकट की घड़ी में कैसे राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर को मजबूती दी जा सकती है, वो भी काम कर रहे हैं वो साथ साथ। देखिए बिल्कुल नया, इस बात में कोई दो राय नहीं है, यही फेडरल स्ट्रक्चर में अपेक्षा भी की जाती है राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर कि अगर कोई ऐसा इस तरीके का संकट कहीं पर भी आए, चाहे वो किसी भी राज्य में आए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं होगा, तब तक राहत नहीं मिल सकती, लोगों तक राहत नहीं पहुंच सकती। और आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, और प्रधानमंत्री करीब 83 दिन बाद बाहर दिल्ली से, और जो इस तूफान के बारे में ममता बनर्जी ने भी अनुरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री भी वहां गए और सीधा वहां पर पहुंचे, इसके अलावा उड़ीसा भी वो गए। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, बावजूद इसके दोनों जगह क्योंकि जानमाल का नुकसान हुआ है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा हुआ है, 80 लोग करीब अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस समय कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, खुद आकलन करना और वहां पर जाकर के एक बैठक बुलाना, डिपार्टमेंटल बैठक जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल थे, और उस बैठक में ये पूरा विस्तृत विवरण लिया जाना कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है जो भविष्य के जो भी नुकसान इस मामले में हुआ उसकी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को देगी, और उसके आधार पर बाकी सहायता मुहैया करवाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ा सकारात्मक कदम है, राज्य सरकार को इससे बड़ा हौसला मिलता है। राज्य सरकार के लिए सकारात्मक कदम जरूर है विक्रांत, लेकिन इस बीच शाहनवाज जी, एक खबर भी आ रही है कि 3 बजे के आसपास सोनिया गांधी पूरे विपक्ष को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद कर रही हैं, उसी वजह से तो नहीं है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव नोट बोल रहे हैं ममता बनर्जी के लिए? प्रधानमंत्री तो हरदम पॉजिटिव नोट पे ही रहते हैं, और प्रधानमंत्री कभी नेगेटिव बात उनके दिमाग में ख्वाबो ख्याल में आती नहीं। वो 135 करोड़ हिंदुस्तानी की खिदमत में लगे हैं, एक खिदमतगार के तौर पर, एक सेवक के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं,
तूफान आया उसमें भी गए हैं वो, और उसके साथ वार अगेंस्ट कोरोना में भी एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनको राजनीति तो करनी है, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन वाली पार्टी है। उसको तो आज मैं पहले से बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बैठक करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी, कहेगी ये नहीं ठीक हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो आलोचना की बैठक है। ये बैठक कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कोई वार अगेंस्ट कोरोना में कोई सुझाव। तो चलिए, जिस आलोचना की बैठक की आप बात कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी का रुख क्या रहता है, ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा। शाहनवाज जी, 1,000 करोड़ के राहत पैकेज के बाद और ये जिस तरह से गुडी गुडी केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में चल रहा है, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इस पर निगाह रहेगी। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बादल देवनाथ और साथी कमरुज्जमा और शाहनवाज हुसैन, आपका शुक्रिया। विक्रांत, अपडेट के लिए आपके साथ हम आगे जुड़ते रहेंगे। इधर कोलकाता में अम्फन तूफान की वजह से मची तबाही के बाद लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। रास्तों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, कई इलाकों में दीवार और मकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे हालात में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें पीने का पानी और बिजली भी नहीं मिल पा रही है। कई लोग ऐसे ही हालात में जीने को मजबूर हैं और सरकारी मदद की तरफ लगातार देख रहे हैं। इस बीच तेलंगाना से खबर आ रही है कि वारंगल में 9 प्रवासी मजदूरों के शव मिलने से हड़कंप मचा है। इन 9 लोगों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल थी। सभी के शव वारंगल में एक कुएं से मिले हैं। सभी मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत की आशंका की पुलिस ने जांच शुरू की है। बताया ये जा रहा है कि इनमें से 7 मजदूर पश्चिम बंगाल और 2 बिहार के थे। तो संदिग्ध हालात में मौत की जांच में जुटी हुई है पुलिस, और ये तेलंगाना के वारंगल में कुएं से इनके शव बरामद हुए हैं, जिनमें 7 मजदूर और 2 मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इनमें पश्चिम बंगाल के 7 हैं, 2 बिहार के मजदूर हैं, बच्चा भी इन मजदूरों में शामिल बताया जा रहा है। पुणे से खबर है जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि तेजी से फैली और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आग को बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे की, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग की तस्वीरें सामने आई, और ये आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन चूंकि केमिकल फैक्ट्री थी तो आग लगातार बहुत तेजी से फैलती रही और धुएं का काला गुबार लगातार फैक्ट्री से निकलता हुआ देखा गया। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस जियो में बड़ा निवेश किया है। अमेरिकी कंपनी KKR जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। KKR को इस निवेश के बदले जियो में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। एशिया में अमेरिकी कंपनी KKR का ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, और जियो प्लेटफॉर्म में एक महीने में ये 5वां बड़ा निवेश होगा। एक महीने में जियो में कुल 78,562 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। महाराष्ट्र के वसई विरार से उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन के लिए यात्रियों का आधार कार्ड देखकर टिकट दिया गया और सभी की मेडिकल जांच भी करवाई गई। तो वहीं यूपी जाने वाले हजारों मजदूर ट्रेन की जानकारी के इंतजार में खुले मैदान में धूप में बैठे इस तरह परेशान होते रहे। इस दौरान मजदूरों का परिवार भी उनके साथ था, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। फिलहाल जानकारी के मुताबिक आज यहां से उत्तर प्रदेश की कोई ट्रेन नहीं जाने वाली। पाकिस्तान से एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पाकिस्तान के एक मंत्री के कहने पर हिंदुओं की बस्ती में बुलडोजर चलाया गया। ये वाकया पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके का है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 20 मई को पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बस्ती में बुलडोजर चलवाकर पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के हाउसिंग मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा के आदेश पर यह बुलडोजर चलाया गया। इस मामले में जो शुरुआती जानकारी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस घटना के बाद बेघर हुए हिंदू परिवारों की मौजूदा हालत क्या है और वो सब कहाँ हैं, इस बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। एक एक हिंदू को चुन चुन कर उनके जान माल पर प्रहार किया जा रहा है, इसमें वहाँ की समाज वहाँ की सरकार एक मत है। इसलिए जो लोग CAA कानून का विरोध कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए
और उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस गैर जरूरी तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे थे, ये कानून आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। साथ ही मैं इमरान खान की इस कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र को अविलंब पाकिस्तान में हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच आज से रेलवे में अब टिकटों की बिक्री और रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर बुकिंग शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर पर आज सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है। रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट की बुकिंग कराने के लिए भारी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे। हम आए थे यहाँ पे सुबह 6 बजे आए थे और बुकिंग 9 बजे खुला यहाँ पे, पर हमें अभी टिकट नहीं मिला। क्या बताया गया? वो बताया गया कि बुकिंग हो गया पूरा 22 तारीख तक। आपको कहाँ जाना था? वेस्ट बंगाल हावड़ा, 1 जून को। अच्छा, तो कितने तारीख तक फुल हो गया? 22 तारीख तक फुल हो गया है। अच्छा। वो बोले कि फिर 22 तारीख को कल बुकिंग होएगा, वो 22 जून तक। लॉकडाउन के बाद रेलवे ने आज से रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन पर टिकटों की बुकिंग शुरू की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहाड़गंज की तरफ रिजर्वेशन काउंटर पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। बताया जा रहा है कि लोग टिकट बुक कराने के लिए सुबह से ही यहां पहुंच गए थे। हालांकि यहां रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लाइन में लोग मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिख रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहाड़गंज की तरफ और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज से रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है उसके लिए लंबी कतारें यहां पर हैं। लोग जो हैं सुबह ही अपने घरों से बाहर निकल कर यहां पहुंच गए हैं ताकि वो अपना टिकट रिजर्वेशन करवा सकें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ RPF के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम कई लोगों से बात करते हैं। ये बताओ, कब से आप सुबह में लाइन में हो? 2 घंटे से। 2 घंटे से आप लाइन में हो टिकट लेने के लिए? हाँ। आप कब से आए हो लाइन में? 1 घंटे से। 1 घंटे से लाइन में खड़े हो टिकट। कहाँ जाना है आपको? बिहार। बिहार? बिहार कहाँ? लखीसराय। लखीसराय इनको जाना है। और भी लोग हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ के लिए टिकट? हाजीपुर जाना है सर। हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर जाना है। जी। कब से लाइन में खड़े हैं? ये 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, 1-1 घंटे से यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े हैं। आप कब से खड़े हैं? सर 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से खड़े हैं। तो आप देखिए ये लाइन जो है लगातार काफ़ी बड़ी है और लगातार ये लाइन बढ़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं और हर जगह पर आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी हैं, हेड कांस्टेबल भी हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन में राहत के बाद पहली ट्रेन चलने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टाफ बेहद खुश नजर आया। बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन के बेलगावी के लिए निकली ट्रेन को रेलवे स्टाफ ने तालियां बजाकर रवाना किया। तो ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि इतने दिनों बाद जब ये ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन सिर्फ इनके लिए ट्रेन नहीं है, ये इनके लिए रोजी रोटी का जरिया भी है। और बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद जब ये ट्रेन चली तो वहाँ स्टाफ जो था वो काफ़ी खुश नज़र आया। और बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन के ये बेलगावी के लिए निकली थी ट्रेन। देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं TV की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है निमृत कौर आलूवालिया और आप सब मुझे देखते हैं मेहर के रूप में छोटी सरदारनी पर। वेल, आज आई हूं मैं न्यूज 18 के साथ आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर। हम आज आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं और आपको ये बताने के लिए आए हैं कि ये जो टाइम है जो हम सबको मिला है अपने परिवार के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है। इसमें पॉजिटिव रहकर, कंस्ट्रक्टिवली रहकर हम एक एक दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बट मोर देन दैट मैं बस यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आई थिंक ये सबसे इजी तरीका है बहुत सारी जानों को बचाने का। और इस पेंडेमिक को, इस COVID-19 को जो वर्ल्ड वाइड जिसने इतना आतंक मचा दिया है, इसको लड़ने का यू कैन एक्चुअली बी अ सोल्जर एट होम। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए,
पॉजिटिव रहिए क्योंकि ये वक्त हमें फिर से अपने परिवार के साथ नहीं मिलेगा। सो न्यूज 18 के साथ मस्त रहिए, मलंग रहिए अपने परिवार के साथ।